हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज का वीडियो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मीशो हॉल वीडियो, जिसमें मैंने मीशो के टॉप्स परचेज किए हैं। और ज़्यादा इतने कोई बहुत अच्छे टॉप तो नहीं है, बट हाँ अफोर्डेबल काइंड ऑफ है, तो ये थोड़े से नॉर्मल ही टॉप है। ज़्यादा क्या ही बताऊंगी इनके बारे में, बट हाँ जितना पॉसिबल होगा मैं उससे ज़्यादा आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो परचेस करने में। एंड अगर आपने मुझे अभी तक भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, जल्दी जाओ जल्दी जल्दी। और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, सारे ट्रायल्स आपको साइट में दिखते रहेंगे, तो चेकआउट करते रहना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है लिंक से रिलेटेड, या फिर आपको कुछ भी मुझे सजेस्ट करना है प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट सेशन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं पहले, है ना। तो मैंने ना कुछ जो है इसमें से प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिए हैं, तो हाँ स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो आइटम जो मुझे सबसे 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 अच्छा लगा था, मैं वो शेयर करती हूँ सबसे पहले आपके साथ। तो ये ना मैंने परचेस किया है एक नॉर्मल बेसिक टॉप, बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉप है, बहुत ही ज़्यादा दिखने में बहुत बेसिक है। ठीक है, इसमें आपको कलर शेड्स मिल जाएंगे बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे, अपने साइज अकॉर्डिंग पिक करोगे तो बहुत परफेक्टली ये फिट होने वाला है। फैब्रिक जो इसका है वो रिफ फैब्रिक है, फ्रंट से कुछ इस तरह का लुक है, बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं है फ्रंट से, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और इसकी जो स्लीव्स है वो शॉर्ट स्लीव्स है। देन बात करते हैं बैक की, तो बैक थोड़ा सा इसका बैकलेस काइंड ऑफ मिल जाएगा, बहुत ही प्रिटी इसका बैक है, बैक का लुक बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैंने अपने ट्राई ऑन्स में भी दिखाया है ये पूरा। और ये मुझे इसलिए पसंद आएगा कि इस तरह का कोई भी एक नॉर्मल सा टॉप मेरे पास नहीं है, ये 199 में ही शायद से ये टॉप है, तो बहुत अच्छा है। बट इसमें और इसमें ना एडिशनल कुछ चार्जेस लगे हैं, जिसकी वजह से ये 400 समथिंग में कुछ आया है, तो मुझे इस चीज़ का समझ में नहीं आना ज़्यादा एडिशनल चार्जेस किस चीज़ का लग गया इसमें। बट ये वाला टॉप इतना प्रिटी है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसमें कलर शेड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपको ब्राउन पिक नहीं करना तो आप कोई और कर सकते हो, मुझे ब्राउन बेज ये शेड्स ज़्यादा पसंद है, ब्राउन बेज ब्लैक, ये इन शेड्स पे मैं ज़्यादा जाती हूँ, तो मैंने इसलिए ये वाला परचेस किया। और ये वाला मैंने रखा है, मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, और मैंने मेरी ये रिप जीन्स के साथ में वेयर किया है, तो उसके साथ इसका लुक और भी ज़्यादा सुंदर आ रहा है। तो ये वाला टॉप अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इसके नीचे जो मैंने वेयर की थी ब्रा, मैं वो भी बता देती हूँ। एक पतली वाली स्टेप वाली आती है जो ब्लाउजेस के लिए आती है मेनली, ठीक है, तो मैंने वो इसके नीचे वेयर की थी। वो आप नॉर्मल गर्ल्स जो ड्रेसेस वगैरह के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकते हो। अगर आपको वो वाली, अगर इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो बता देना, जितना भी है मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी मेरे पास क्या क्या है, ठीक है, जो मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ परचेज किए हैं। देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट का। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया ये बहुत न्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जो शेड्स पसंद है बेज ब्लैक और ब्राउन, यही शेड मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं इन शेड्स पे ही ज़्यादा जाती हूँ। तो मैंने ना एक ये अभी थोड़ा सा मुझे एक दो बार दिख गया है ये वाला टॉप, तो मैंने सोचा कि इसको ट्राई करते हैं। तो ये वाला टॉप कुछ इस तरह का है, ठीक है, इसका लुक समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, बट इसमें ना ये थोड़ा सा ना सेपरेट किए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग किए हुए हैं, और इसमें एक थ्रेड यूज़ किया हुआ है बीच में दोनों साइड में, ठीक है। और ये प्रिंट सारे कलर शेड्स आपको इसमें मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारा लुक है, बहुत सुंदर लग रहा है, पहनने के बाद में काफ़ी अच्छा लगेगा। एक चीज़ मैं बस इनको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर अपने जो क्वालिटी है उस पर थोड़ा ध्यान देना, तो इनके जो प्रोडक्ट ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल रीच करने वाले हैं, क्योंकि ना फैब्रिक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितना इसका लुक, मतलब एक लुक अलग डिफरेंट मिल जाता है। बस यही होता है कि जो अफोर्डेबल में आती है ना चीज़ें, उसमें लुक्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेकिन उनके फैब्रिक्स की क्वालिटी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं होती। और यही सेम इसके साथ है कि इसकी फैब्रिक की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट जो इसका लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और देखो नीचे से भी ना स्टिचिंग वगैरह का काफ़ी ज़्यादा अजीब सा इन्होंने किया हुआ है। अब ये आप बोलोगे कि डिज़ाइन नहीं है, डिज़ाइन नहीं है, ये फैब्रिक को अच्छे से इन्होंने किया नहीं है, ठीक, इस वजह से ये ऐसा लुक में आ रहा है। बाकी अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको परचेस कर लेना, पहनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और सुंदर भी लग रहा है। तो जीन्स के साथ मैंने ट्राई किया है, रिप जीन्स के साथ ही मैंने किया है इसको ट्राई, तो आप एक बार देख। शॉर्ट्स के साथ तो मैंने किया नहीं है, शॉर्ट्स के साथ मुझे इतना कुछ खास पसंद आया भी नहीं कि मैं इसको करूँ, बट हाँ ओवरऑल जो इसका लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, और आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया वो ये वाला टॉप, ये वाला टॉप ना सेम सिमिलर जैसा दिख रहा है वैसा मुझे लगा तो नहीं, बट हाँ समहाउ ये मिल गया, मैच हो गया, और हाँ इसका लुक वैसा ही है जैसा दिख रहा है, बट थोड़ा और फिटेड में होता, थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी में होता, फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा, फैब्रिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा और फिटेड वगैरह का थोड़ा ये रखते ना ध्यान, तो काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता, परफेक्टली फिट होता, जैसे अरबाने के कपड़े होते ना वैसे ही, बस थोड़ा सा स्टिचिंग का थोड़ा सा मुझे लगा। और अगर आपको भी मेरी तरह, क्योंकि मेरे से भी काफ़ी पतली लड़कियां हैं, अब उनको ये प्रॉपर फिट नहीं आएगा तो उनके लिए तो ये वेस्ट है ना, उनको तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए मैं बोलती हूँ।
बाकी ये ना एक्सेस मॉल में था नहीं जितना मुझे याद है, और बहुत सारे कलर शेड्स भी आपको मिल जाएंगे इनमें, सब में आपको कलर शेड्स मिल जाएंगे। और मैंने ये वाला कलर पिक किया है क्योंकि मुझे, या फिर ये वाला कलर ही दिखा था, मैं इसके लिए थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि इसमें था या नहीं। बाकी आप देख लेना, लॉन्ग स्लीव्स मिल जाएगी, रिफ फैब्रिक है दोनों साइड से, टर्टल नेक मिल जाएगा, एक साइड से ही आप लिफ्टअप कर सकते हो, ठीक है, लिफ्टअप कर सकते हो, ये मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, और साइड में ना यहाँ पर दूसरी साइड में यहाँ पर कट दिया हुआ है। वैसे जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर ये प्रॉपर फिट होता ना तो इसका कट भी दिखता और ये ऊपर से एक मतलब लिफ्टअप वाला है वो वाली चीज़ भी इसमें ईजिली शो हो जाती, देखने नहीं पड़ती। अब मुझे वीडियो में पूरा दिखाना पड़ रहा है आगे पीछे से ऐसे कि ये ऐसे लुक में, ऐसे लुक में, और ओवरऑल जो है इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको भी पसंद है कुछ नॉन रिवीलिंग टॉप, आप अगर नहीं पहन सकते, आप ये फैमिली में नहीं अलाउ, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये वाला टॉप भी काफ़ी अच्छा है, ये वाला इतना ज़्यादा रिवीलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आपको लग रहा होगा वीडियो में देख के, बट ये बहुत ज़्यादा प्रिटी टॉप है। देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो मैंने ना ये वाला ना लैपेड प्रिंट में देखा था, मुझे एक मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जो मैंने ऑर्डर किया था वो लैपेड में था, और जो मुझे रिसीव हुआ है पता नहीं क्या ही रिसीव हुआ है, और मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी किसी को भी कि ये वाला टॉप परचेस करो। बट इसका फिट क्या है ना, कभी ना मतलब एक मैंने भी एक बार ऐसी एक ड्रेस ली थी अभी मीशो के हॉल में, तो वो मुझे परफेक्टली फिट आ गई थी, लेकिन उसका मटेरियल और इसके मटेरियल में थोड़ा डिफरेंट, मतलब थोड़ा तो डिफरेंस है ही, क्योंकि वो वाला थोड़ा थिक मटेरियल में था, ये वाला लाइट मटेरियल में है। और अगर ये लैपेड वाले इसमें आता ना तो मैं इसको डेफिनेटली रख लेती, और इसकी स्लीव्स भी मुझे थोड़ी छोटी लग रही है, छोटी है इसकी स्लीव्स बहुत। और पता है मुझे कई बार क्या होता है कि मुझे प्रॉपर स्लीव जो इतनी है ना प्रॉपर आए फुल लेंथ, मुझे वो वाली चीज़ जैसे ही मिलती है मैं उसको कभी नहीं छोड़ती, बट ऐसा नहीं होता। इसमें आपको टर्टल नेक मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रिंट है, सुंदर लग रहा है, अगर आप इसको अच्छे से पेयर अप करोगे तो अच्छा लगेगा, बट देखने में ना बहुत ऐसा लग रहा है कि यार नहीं ये तो बहुत चीप मटेरियल है, इसको परचेस करें नहीं करें। और अगर आपको वीडियो में अच्छा लगता है तो आप ट्राई कर लेना, वैसे ओवरऑल जो इसका लुक आ रहा है वैसे अच्छा आ रहा है, मतलब इसके साथ में अगर आप ब्लैक कलर की स्कर्ट ऐड करोगे, बूट्स भी ऐड करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि सर्दियों में पहनते हैं बूट्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो लेदर वाले या फिर दूसरे वाले जो भी आते हैं समर्स के भी काफ़ी आते हैं, तो आप उनको ऐड करोगे तो उससे एक अच्छा सा लुक भी क्रिएट हो सकता है अगर आप चाहते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट का दो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, पहले ये वाला दिखा देती हूँ। ये वाला भी काफ़ी क्यूट टॉप है, कोरियन टॉप है ये पूरा, और है ना इससे बहुत सारे कलर शेड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे लुक मिल जाएंगे, और इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कंट्रास्ट में है। एक है ना अगर आप दूसरा शेड लोगे ना तो उसमें कंट्रास्ट में अलग शेड में आपको थ्रेड मिल जाएगा, इसमें ब्लैक यूज़ किया है, अगर इसमें व्हाइट होता तो भी अच्छा लगता, बट ब्लैक है तो भी अच्छा लग रहा है। लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत क्यूट सा है, प्रॉपर क्रॉप टॉप है, समर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ब्रीथेबल फैब्रिक है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलर शेड्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे साइजेस हैं, मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में पिक किया है, परफेक्टली फिट आ रहा है, इतना अमेजिंग लग रहा है, मतलब 199 में टॉप आप परचेज कराते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये वाला काफ़ी प्यारा है, फिट बहुत अमेजिंग आ रहा है, और जीन्स के साथ में ना इतने सुंदर लगते हैं ये वाले टॉप बहुत ज़्यादा। मैंने सारे ना अलग अलग ट्राई किए हैं टॉप्स कलर्स में, क्योंकि मेरे पास मोस्टली, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे बेज, ब्लैक और ब्राउन, ये तीन शर्ट तो मेरे ऐसे हैं कि मैं इनको परचेस करती हूँ और मेरे पूरे हॉल में आपको बेज ब्राउन ही दिखेंगे और ब्लैक दिखेगा भी, तो ये है। और ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब मटेरियल क्वालिटी और सब कुछ देखें ना तो सब कुछ ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ट्राई कर सकते हो आप। बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ना ये सेम मैंने एक परचेज किया था अभी कुछ टाइम पहले, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, वो वाला जो था ना वो पूरा नेट था ना वो पूरा आगे से पीछे से भी था, ये वाला मुझे उससे ज़्यादा कहीं अच्छा, ये वाला टॉप और वो वाले टॉप में पता है क्या था, मेन तो ये था कि जो इसका फ्रंट का नेट है ना सेम था और बैक में नेट था, मतलब नेट था, और वी नेक में यहाँ पर ना इलास्टिक दिया हुआ था, इसमें ना ये बो बनाया हुआ है एंड साइड में यहाँ पर लेस भी अटकी हुई है। जो मटेरियल है वो काफ़ी सही सा है, मतलब उसका मटेरियल और इसके मटेरियल में काफ़ी डिफरेंस है, वो वाला थोड़ा सा अजीब सा था बट ये वाला मटेरियल काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा और थिक में होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। फुल लेंथ में, फुल स्लीव्स में है और क्रॉप में इतना प्यारा लग रहा है, मतलब दिखने में इतना सुंदर लग रहा है, ये वाला टॉप बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, और मैं बोलूँगी अब एक बार ट्राई ज़रूर करना क्योंकि ये वाला जो टॉप है ना काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। मैं इसमें एक छोटा सा मतलब एक स्मॉल साइज़ मंगवाऊँगी अगर मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया होगा तो, बट इसका लुक सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, सुंदर लग रहा है और बहुत ही प्रिटी टॉप है और इतना अफोर्डेबल टॉप है, इतना अफोर्डेबल टॉप है, आप एक बार ट्राई करके देखना, आपको खुद को भी लगेगा कि यार हाँ कितना ज़्यादा प्यारा प्रिटी टॉप है, इसको तो ट्राई करना बनता है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और बहुत अच्छे हैं। वैसे मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगी टॉप की मैं होती तो मैं कौन से परचेज करती, ये वाला और ये तीन तो लाइक मैंने मेरे ये हैं कि हाँ ये तो मैं रख ही लेती, और ये तीन तो मेरे ऐसे हैं कि यार चलो ठीक है कुछ नहीं तो कुछ नहीं हो तो फिर यही परचेज़ कर लो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टफ़ है और मैं बहुत
सोच समझ के परचेज करती हूँ कि मुझे कौन सा वाला स्टफ रखना है कौन सा नहीं, क्योंकि क्वालिटी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। अगर थोड़ा सा भी मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा भी इसका इसका ये वाला थ्रेड निकल रहा है या फिर ये ठीक नहीं हो सकता या फिर ये, तो मैं उसको नहीं रखती हूँ और चीप नहीं लगे देखने पर। ठीक है, मैं ऐसा देखती हूँ कि मैं कोई और हूँ और ये किसी और ने पहना हुआ है और ये कैसा लग रहा है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चूजी हूँ कपड़ों के मामलों में। तो हाँ, अगर आपको परचेस करना है तो परचेस कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जाना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।